Hello, students. We will study about the chapter of English text, chapter number 10, Mora. So, let's start the remaining paragraph. In the herd which lied by the lake, I had many friends. I played various games with them. We liked turning somersaults. Uh, we, we also played leapfrog, but sometimes we quarreled, quarreled and chased one another. When we were tired of games and uh, were hungry, we ate together and gave one another tidbits, lovely shoots, coconut, and bananas. Then we sing, sang together till we were hoarse. Our mothers began to feel that we, would, uh, we could take care of ourselves and would go away to visit relations for days on end. The years passed I grew up my mother had left me in the care of Uncle Tushi, whom I loved so much that I would insist of holding on to his trunk with my trunk as we walked along, but I loved my mother more and I wanted to protect her against the elephant hunters. ki? यहाँ पर जब हम लेक के पास में आए तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे और मैं काफ़ी गेम्स खेलता था उनके साथ में जैसे कि सुमन सॉल्ट वग़ैरह है लिप फ्रॉग है इस तरीके से और हम झगड़ते भी थे एक दूसरे को पकड़ते भी थे तो जब हम थक जाते थे गेम्स खेलकर तो हमें भूख लगती थी हम एक साथ खाना खाते थे है ना और बहुत दिलचस्पी भी लेते थे जैसे लवली शूट्स वगैरह है कोकोनट नारियल बनाना केला जो होता है इस तरीके से हम खाते थे हम एक साथ जो है गाना भी गाते थे और फिर जब स्वर बिगड़ भी जाता था तो इस तरीके से हम गाते थे कोई चिल्लाता था कोई धीरे गाता था कोई तेज गाता था ऐसा और हमारी जो मदर है जब उन्होंने महसूस किया कि अब भाई मैं बड़ा हो गया हूँ तो फिर उन्होंने क्या है मेरी केयर कर जो हमारे जब रिलेशन है वहाँ भी मुझे जाने के लिए अलाउड कर दिया और जैसे जैसे जो साल बीते गए मैं बड़ा होता गया तो मेरी मदर जो है उन्होंने मेरी केयर करना छोड़ दिया और अंकल जोशी पर मेरी केयर छोड़ दी ठीक है तो वो मेरे मेरे को काफ़ी प्यार करती थी और इंसिस्ट करती थी कि मैं अपनी ट्रंक को होल्ड करूं और साथ में लेकर चलूं और वो मुझे बहुत प्यार करती थी क्योंकि और वो चाहती थी कि मैं जो है जो एलिफेंट हंटर्स हैं उसके अगेंस्ट रक्षा करूं अपनी तो मैं खुद मतलब वो चाहती मैं खुद चाहता था कि मैं एलिफेंट हंटर्स से उनकी रक्षा करूँ one day mother and i were going to uncle rishi to the marriage feast of one of my cousin in mysore we travelled by night as so as not to be seen and hid among the rocks during the day i was so happy and that i wanted to sing all the time but both uncle अब एक दिन क्या होता है जो मेरी मम्मी हैं और जो अंकल टुशी हैं वो हम लोग एक दावत पे शादी की जा रहे थे मैसोर में मेरे कज़न की जो शादी थी अब हमें रात में ट्रैवल करना था ताकि हमें कोई देख ना ले और पत्थरों के बीच से दिन के दौरान में हम करते थे तो हम मैं बहुत खुश था और मैं चाहता था कि मैं ऑल टाइम गाना गाऊँ तो खुशी से मैं गाना गा रहा था लेकिन जो दोनों अंकल और टुशी एंड मदर वर अफ्रेड दैट सम हंटर वुड हियर माई वॉइस and discover us and it help happened as they had feared we reached the outskirts of uh, Seringapatnam where there is old palace of Tippu Sultan तो जो अंकल टुशी और मेरी माँ दादी काफी डरे हुए थे कि कहीं शिकारी जो है उसकी आवाज़ ना सुन लें और उसके खोज लेंगे वो उनको तो ये भी डर था एक तो जैसे जैसे वो वहाँ जो श्री रंगपटनम में पहुँचे तो वहाँ पर जहाँ पर पुराना जो महल था टीपू सुल्तान का माई मदर हैड टोल्ड मी ऑफ द ब्रेव डीड ऑफ टीपू एंड आई कैन आई कुड नॉट हेल्प सिंगिंग टीपू 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 माई सिंग सॉन्ग वॉज डूइंग ऑफ अस ऑल सडनली वी वर फेस टू फेस विद अ ब्राउन मैन इन अ बोट लाइक कैप सिटिंग ऑन अ हां हो रहा behind him there were several other hunters uh, the brown men shouted catch them alive specially the little one we need him for the zoo mm -hmm. अब वहाँ मेरी मदर ने मुझे बताया कि जैसे जो टीपू सुल्तान था उस वो बहादुर था ऐसे ही वो काफी बहादुर था और uh, मैं uh, नहीं मैं गा रहा था तो मैं हम गाने में मदद नहीं कर रहा था जैसे कि टीपू टीपू इस तरीके से जो मेरा गाना था मैं ऐसे गा रहा था फिर धीरे धीरे जब मैं आगे चला तो मेरी जो मुलाकात है एक ब्राउन मैन से हुई जिसने कैप वगैरह पहनी हुई थी और वो मेरे पीछे था काफ़ी उसके पीछे हंटर्स भी थे शिकारी और वो चिल्लाने लगे कि इसे पकड़ो स्पेशली वो छोटे वाले को पकड़ना है क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है चिड़ियाघर के लिए Tushy, mother, and I wheeled around the crash into the scanty bush behind the walls of Tipu's fort. Behind us, we could hear the shouts and cries of our hunters. Tushy was in front of me, mother was behind me, I was uh, gasping for breath. I thought I should try and run faster and get a breeze.

सी जो दीवार थी और जो बशीस थी उसके पीछे छुप गए थे टीपू के सुल्तान का जो किला था उसके पीछे ठीक है और वो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी शिकारियों की और टुशी जो अंकल थे वो बिल्कुल सामने थे और मदर जो है मेरे पीछे थी और हम सांस ले रहे थे और भागे जा रहे थे भागे बराबर जा रहे थे अंकल टुशी भी और एक पल ऐसा था कि मैं भूल गया और आगे आगे भागते रहा फिर मैंने महसूस किया मैं जब थक गया डर गया और वहाँ पर जब मैं रुका तो मैंने अपनी माँ का वेट किया और वो अजीब सी जगह थी भागते भागते मैंने ध्यान ही नहीं दिया काफ़ी आगे निकल गया और जो शिकारी हैं वो पूरे उन्होंने मेरी माँ को घेर लिया था एंड कोशिश कर रहे थे वो रस्सी से उन्हें रोकने की शी लिफ्टेड हर ट्रंक एंड शाउटेड मोरा मोरा माई सन आई कुड नॉट सोप जस्ट एज आई हैड नॉट बीन एबल टू वीप और अटर अ साउंड वैन माई फादर and had been shot by hunters years ago i flapped my big ears to and fro to catch every sound that came from my mother's side i put my four feet on a boulder and stood listening in intently a moment later i saw the brown hunter and traitor advancing towards me i looked at toshi who now stood far away waiting for us with a pang in my heart i Want towards him. I knew that I would be the victim of every man until I was strong enough to protect myself. अब मेरी माँ जो है अपनी सूंड उठाकर चिल्ला रही थी मोरा मोरा मेरे बेटे इस तरीके से चिल्ला रही थी और वो बिल्कुल भी मैं सक्षम नहीं था मैं रो रहा था जैसे कि पहले जब मेरे पापा की डेथ हुई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था और जब मेरे पापा को जो शिकारियों ने गोली मारी थी काफ़ी साल हो गए इस बात को तो मैं अपने बड़े बड़े कान जो है वो ऐसे फ्लैप्ट कर रहा था एंड हर एक साउंड को तब से मैं अपने कानों के जो ऊपर उठा के रखता हूँ ताकि हर एक आवाज़ को मैं सुन सकूँ जो भी मेरी माँ की साइड से आने वाली है उसके बाद मैं ऐसे आगे जा रहा था ध्यान से हर एक मोमेंट को देख रहा था और जो जो विश्वघाती होते हैं ना जो विश्वासघाती होते हैं जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है उन्हें ट्रेटर कहते हैं तो वो उनकी तरफ उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे और वो अंकल टूशी को देख रहा था जो दूर खड़े होते और वेट कर रहे थे उनका तो वहाँ पर लेकिन उनका जो दिल है वो धक धक कर रहा था वो उसकी तरफ आते जा रहे थे और वो जानता था कि हर एक आदमी जो है उसे पकड़ना चाहता है लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो अपनी मदद कर रहा था अपनी हेल्प कर रहा था सुरक्षा कर रहा था आई वॉक डॉन अवर सफरेट बट केयरफुल सडनली देयर वॉज अ रसलिंग इन अ ग्रास नियर मी आई स्वंग राउंड देयर एवरी टूथ बेयर इन अ अवेज सेट सबरा द लेपर्ड Who had often made a surprise visits to our home by the lake and Bangalore. Sabra's green eyes glittered as she watched watched my trembling body. At last I have uh, caught you. She, uh, she seemed to say, I have been waiting to devour you. You have been bred on the grass of my native land. These words had hardly crossed my mind when she Leaped into the air and fell on me, and with paws extended, she struck me severely with her steely claw. I squealed in terror and was turning to flee when I decided to hold my ground and struck her with my trunk. I heard a third as a Sabra landed on the ground in front of me. I was still shivering. then there was a fearful crash in the bush and a slate grey wall stood in front of me अब यहाँ पर जब वो काफ़ी nervous था वो nervous था और डरा भी हुआ था suddenly जो है घासों में से आवाज़ आने लगी और वहाँ पर जो है सबरा यानी कि जो लेपर्ड है उसकी आँखें चमकने लगी उसकी पूरी body उसे देख कर काँप रही थी और वो उससे उसने पकड़ लिया था देख रहा था और काफ़ी भयानक था वो उस जगह में उसने देखा ही नहीं लेकिन उसका माइंड क्रॉस हो गया था और जब वो उसने उसे नीचे गिरा लिया अपने पंजों से जकड़ लिया अब उसने उसको ज़मीन पर जकड़ा हुआ था वो बिल्कुल फंसा हुआ था वो हिलने भी नहीं दे रहा था उसको और वो उसको सामने था तो उस वो काँप रहा था और झाड़ी के पास ही था ग्रे कलर का जो कि वो उसके सामने खड़ा था पर ही वॉज़ मिसिंग माई मदर एंड कुड नॉट बेयर दैट Uh, the thought sh that she was uh, caught, she lumbered on without a backward glance. Then, uh, with a great trampet, pain and drag, she suddenly disappeared from view. I rushed forward, I anxiously to find my protector. अब शायद उसे लग रहा था कि मेरी माँ जो है वो missing है और वो बर्दाश्त नहीं करवा रही हैं उन्हें किसी ने पकड़ लिया है और जबी जो है एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत ही दर्द भरी होती है लेकिन वो कुछ देख नहीं पा रहा था नज़ारा तो उसने देखा इधर उधर जब वो भागा तो उस अपने सुरक्षक को जो कि उसके सुरक्षा करता था ठीक है जब उसने ज़्यादा इधर उधर देखा इन फ्रंट ऑफ मी गैप्टे अ वाइट स्पेस आई लुकड इन टू इट्स टुपिडली बिलो मी आई कुड जस्ट मेक आउट टू शीज वास्ट आउटलाइन अ स्टैम्प अ रेड इंटी In the pit into which he had fallen, I stood dolefully. I could not understand why men made trap to get the free creature of Elephant Land into their grasp. Fortunately, the usual trap which men built to catch elephant was not there. This was only a crude one. अब जब इधर उधर भाग रहा था वो पागलों की तरह उसे समझ में नहीं आ रहा था लेकिन जब गया तो उसने देखा कि जो अंकल चूसी हैं वो एक गड्ढा है उसमें गिरे हुए हैं और वो फंस गए हैं ट्रैप में उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे उसे वहाँ से बचाएंगे उनको एंड द जाइंट टस्कर अंकल ट शी वॉज नॉट हर्ट आई वंडर हाउ आई कुड गेट अंकल टू शी कम आउट ऑफ दिस टेरेबल ट्रैप इफ ओनली आई हैड अ फाइन लॉन्ग पेयर ऑफ टस्क विद विच आई कुड डिग अवे साइड ऑफ द पिट देन आई हैड अ ब्रेन वेव ज द सेपलिंग आई टोर इट फ्रॉम द अर्थ एंड फ्लंग इट डाउन विद द हेजी आइडिया दैट इट माइट बी यूजफुल इन द पेट द सेपलिंग काट टूशी ऑन द साइड ऑफ इज हैड अब अंकल जो बड़े जाइंट अस्कर थे उनके दाँत थे बड़े बड़े वो हर्ट नहीं थे लेकिन वो हैरान थे कि जो टुशी है वो इस टैर इतने जाल में कैसे फंस गए बड़े बड़े दाँत थे उनके दोनों साइड से और गड्ढे में गिर गए लेकिन तभी उसने अपनी दिमाग लगाया और एक जो सैपलिंग है जो यानी कि जो जो घास की जो बेल नहीं होती है बेल तो उसको पकड़ कर वो उसने आइडिया लगाया और वो उन्होंने जो है उस गड्ढे में डाल दी और अंकल टुशी को दी तो जिससे कि वो उसको पकड़ कर एक साइड से बाहर आने की उन्होंने कोशिश की ट्रम्पडिंग विद rage ही सेज इट इन his trunk वाइल्ड It round and round and stemmed his under his feet. I wandered around the edge of the pit for a while. Suddenly, I thought of a way to make Uncle Tushi comfortable in his prison. A bed of branches and young trees who soothe him. And later, I would try to think of something to help the tusker out of the pit. Branches, branch after branch, and sapling after sapling, I approached it down and flung. Uh, down to Tushy, the old elephant seemed fu furious at this rain of missiles. He pounded them, bent his enormous feet, and trumpeted widely And uh, and soon the age of the pit above him grew nearer. After an hour, or his tusks were level with the ground, his trunk rose slowly above the ground. अब काफ़ी परेशान भी हो गए थे अंकल ऋषि क्योंकि वो गड्ढे में गिरे हुए थे और वो उस ट्रैप में फंस गए थे जो शिकारियों द्वारा खोल यहाँ पर खोदा गया था और वो ब्रांचेस उसे पकडे धीरे धीरे वो बाहर आ रहे थे और वो अपने दांतों के सहारे से भी उस सैपलिंग को पकड़ते पकड़ते काफ़ी आगे आ चुके थे और ट्रम्पिंग साउंड भी वाइडली क्योंकि काफ़ी हर्ट भी हो रहे थे बड़े बड़े पैर थे तो एक एलिफेंट का जो है पिट में से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है तो लेकिन वो बाहर आ रहे थे धीरे धीरे वो बाहर आए और उनकी जो ट्रंक है वो हमें दिखाई देने लगी ग्राउंड के ऊपर और आई सॉ हिम कम नियर मी आई स्टेयर एट द मेरेकल टी रेज हिमसेल्फ अप हैविंग हिज बिग हर्क हिज पावरफुल ट्रंक एंड टस्क ही रोज अप टिल हिज फोर लेग्स वर ऑन सेफ ग्राउंड अब उसने देखा कि जब ये चमत्कार हो गया अंकल काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ पर एक वर्ड दिया है हल्क हल्का मतलब जो होता है हैवी बॉडी होता है और बहुत हैरान थे वो कि चमत्कार हो गया कि उस गड्ढे में से वो बाहर आ गए सही सलामत अपने चारों पैरों को सेफली ग्राउंड uh, पर आ गए देन विद द फाइनल एफर्ट ही ड्रू हिमसेल्फ आउट द पिट हाउ डिड यू लिटिल किट थिंक ऑफ हिस्स वे ऑफ गेटिंग मी आउट ऑफ द पिट आई लुकड एट हिज जॉइंट फेस एंड थाट How happy my mother would have been to hear him speak this. I worship you, I said to टू I wish to be strong and powerful as you. तो so, वो uh, uh, उन्होंने उसको निकाल लिया था तो अंकल टुशी बहुत हैरान थे कि भाई तुम एक बच्चे हो उसके बावजूद तुमने इतना बड़ा काम कराया तुमने कैसे किया तुम्हारी मम्मी जो है वो बहुत खुश होंगी कि तुम इस तरीके से उस आ, मतलब उन्होंने जब साहस से उनको बाहर निकाला अंकल टुशी को तो वो कहती हैं कि मैं प्रार्थना करूंगी आई सेट टू टुशी कि तुम ऐसे ही काफ़ी स्ट्रांग और पावरफुल बनो मोरा माय सन टुशी शी सेट आई टू एंड लेफ्ट ऑल अलोन इन द वर्ल्ड व्हेन द हंटर्स टुक अवे माय फादर एंड मदर टू वर्क इन द ट्राइम्बर यार्स ऑफ केरला आई सो दैट After your father's death, your mother would not be able to look after you. Women and children need protection. We men have to work and guard the freedom of the elephant tribe. I was a second father to you, but now you have learned everything. The clever way in which you rescue me from the pit shows that you will do wonders. यू विल बिकम द हेड ऑफ़ आर पंचायत गो नाउ एंड वर ओवर द सेवन अर्थ अक्रॉस द सेवन सीज एंड अंडर द सेवन स्काईज एंड देन कम बैक टू आर फोल्ड तो मोरा माए बेटे उन्होंने कहा मोरा मेरे बेटे अब तुम जो है अकेले संसार को देख सकते हो तुमने हंडर्स को देखा है और तुम्हारे पापा और वो भी इसी तरीके से जो है ट्राइम्बर केरला के यार्ड्स uh, के केरला में जो थे उनके पापा मम्मी भी वहाँ पे काम करते थे तो मैंने देखा है तुम्हारे पापा की जब डेथ हुई है तुम्हारी मम्मी ने काफ़ी तुम्हें सहारा दिया काफ़ी देखभाल की लेकिन जो वुमेन और बच्चों की ज़रूरत होती है हो उस समय में सुरक्षा की लेकिन अब जो मैन है जो तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो आज़ादी से रह सकते हो एंड हमारी एलिफेंट ट्राइब्स में यानी कि जो हाँ उनकी जनजाति है उसमें अब मैं तुम्हारा जो सेकंड फादर था तुम्हारी देखभाल की अब मैं जान चुका हूँ कि तुमने सब कुछ सीख लिया है अब तुम अपने आप को बचा सकते हो तो तुम्हें अब आज़ादी है तुम जाओ और पूरे इस सात संसार को देखो सब धरती को देखो आकाश को सबको देख लो सारी जगह को देख लो और उसके बाद तुम यहाँ पर वापस आना अपने ग्रुप में और महसूस करना वाई एम आई टी एल्फ आई थाट फुल ऑफ विजडम एंड लव and i wanted follow the giant tusker whenever wherever he went and yet i wanted to be independent and live on my own to so she then ambled away and uh, i deep in thought walked off in the oppo opposite, opposite direction ab uh, ki kitna jo hai महान होते हैं एलिफेंट जो वो सोचते हैं उनकी बुद्धिमता और वो प्यार करने वाले होते हैं और मैं चाहता हूँ तुम इनको फॉलो करो और जाओ और इंडिपेंडेंट बनो तुम आत्मनिर्भर बनो और देखो यहाँ पर एम्बल यहाँ पर है वॉक एट स्लो पेस तो यहाँ पर जाकर तुम अच्छे से देखो हर चीज़ को मैं चाहता हूँ डीपली आ, सोचो तुम और आ, फिर उसके बाद जो है तुम उस डायरेक्शन में उसने जो है डीपली सोच कर कहाँ अपोजिट डायरेक्शंस को चूज़ किया अपने जाने के लिए